वैसे हैरत भी हो रही है और तेरे लिए थोड़ा सा अफसोस भी हो रहा है मुझे वो इस बात पे कि मुझे लगा कि शायद सिर्फ तू ही उसका एक आशिक लेकिन और भी हैं आप। बकवास बंद करो तुम। अगर रमशा के किरदार के बारे में एक भी गंदा लफ्ज कहा तो तुम्हारी जबान खींच लूंगा। तुझे लगता है कि मैंने चूड़ियां पहन रखी है? मैं कुछ नहीं करूंगा आगे से। अरे चुप हो जाओ, खुदा के वास्ते जाओ यहाँ से। जानी चलो अभी उसे कह वो चले यहाँ से। चुप हो जाओ, मैं कह रही हूँ जाओ जाओ यहाँ से। अफ़तान, अगर तुम अपने एक्स हस्बैंड को डिफेंड करने के लिए आई हो तो एक लफ्ज भी मत कहना। उसकी जरूरत कैसे हुई? जरूरत कैसे हुई उसकी कि मेरे घर दाखिल होकर तोड़फोड़ करे, वो मेरी बीवी के गले पर छुरा रख के उसे कत्ल करने की कोशिश करे? ये तो शुक्र करो मैं घर पे नहीं था। अलीज़ और पप्पू ने सिर्फ FIR करवाई, अगर मैं होता ना तो उसकी जान ले लेता। आप एक दफा मेरी बात को सुन लिया अफ़तान, जो कुछ भी हुआ इसमें सिर्फ शानी का कसूर नहीं था। उसने खुद चाचू को बताया कि वो यहाँ ज्वेलरी लेने के लिए आया था और पप्पू और अलीज़ ने उसको इतना प्रोवोक किया कि उसने ये कदम उठा लिया। Come on, please. मुझे शानी की झूठी कहानी मत सुनाओ। तुम क्या कहना चाह रही हो? क्या कहना चाह रही हो कि अलीज़ ने खुद उसके हाथ में छुरी रखी और कहा कि मेरे गले पे रख दो? जितना बड़ा गुंडा है हम सब जानते हैं, लेकिन उसकी सारी गुंडागर्दी आज मैं निकाल दूं। अब खुद एक बात सोचो, उसकी बहन की शादी है, उसकी बहन घर में माइयों बैठी हुई है, उसके ससुराल वाले आए हैं, घर में मेहमान है। अगर उसको ये तमाशा करना होता तो वो इसी दिन क्यों करता अफ़तान? वो ये सब कुछ किसी और दिन भी तो कर सकता था ना। थोड़े ठंडे दिमाग से सोचें, अगर आपका कोई कितना भी बड़ा दुश्मन, कम से कम आप अपनी बहन की शादी वाले दिन तो ये सब कुछ नहीं करेंगे ना। मैं बस ये चाहती हूँ कि आपको शानी के साथ जो कुछ भी करना, जो कार्रवाई करनी है आप करें, लेकिन एक दफ़ा आने की रुख्सती तो हो लेने दें प्लीज। क्या ये आप क्या कह रहे हैं इंस्पेक्टर साहब? शानी की जमानत हो गई और वो भी इतनी जल्दी? इंस्पेक्टर साहब आप शायद भूल रहे हैं कि शानी पर मेरी बेटी के अटेम्प्ट टू मर्डर का केस है और वो कोई छोटा केस नहीं है। आप मुझे ये बताएं कि उसकी जमानत करवाई किसने? मामा, अफ़नान कहाँ है? वो रशीदा कह रही थी वो कहीं बाहर गया है। मैं उसे कब से कॉल कर रही हूँ, मेरी कॉल भी पिक नहीं कर रहा। वैसे आप क्यों पूछ रही हैं? कोई बात है क्या? शानी की जमानत हो गई है। क्या? लेकिन मामा आप तो कह रही थी कि आपने ऐसा मुकदमा दर्ज करवाया कि वो सारी जिंदगी जेल में सड़ेगा।
अभी तो एक रात भी नहीं हुई है। ये बात जाकर अपने शौहर से पूछो। क्योंकि उसकी जमानत अफनान ने कराई है। अफनान? ये क्या कर रहे हो तुम? मामा बोलो ना, मेरे खानदान के बारे में तो अच्छा नहीं होगा, तुम्हारी गर्दन उड़ा दूंगा मैं। यहाँ क्या कर रही है? दिल तो चाह रहा है गले पे ये फेर दूं, लेकिन सिर्फ रमशा की वजह से अपना हाथ रुका है। इसको नहीं चेक करो, प्लीज इसको लग जाएगी। तुम्हें इस घर से जो चाहिए तुम ले जाओ, हम कुछ नहीं कहेंगे। लेकिन इसको नहीं चेक करो प्लीज। तो अब तक जाग रही हो, सोई नहीं? जिस बीवी का तुम जैसा शोहर हो कैसे सुकून से सो सकती है? क्या बकवास कर रही हो तुम? बिल्कुल ठीक तो कह रही हूं। मुझे लगता था तुम मेरे मामले में लापरवाह हो। लेकिन तुम तो लापरवाह होने के साथ साथ बेहस भी निकले। अली से अब क्या बेहसी दिखा दी है मैंने तुम्हें? ये बेहसी नहीं तो और क्या है? जिस इंसान ने मेरी जान लेने की कोशिश की तुमने उसकी बेल करवा दी। देखो अली से, मैं तुम्हारे गुस्से को समझ सकता हूँ, लेकिन शादी की बेल करवाना मेरी मजबूरी थी। मजबूरी नहीं थी, रमशा के कहने पर बेल करवाई है तुम। अफनान कुछ रमशा से ही सीख लो। उससे रिश्ते निभाना सीखो। अरे तुमसे अच्छी तो रमशा है जो आज भी अपने एक्स हस्बैंड पर मर मिटने के लिए तैयार है। Just shut up. मुझ पर गुस्सा करने की जरूरत नहीं है, पूछना है तो अपनी बीवी से पूछो। पूछो उससे क्यों मर रही है शानी के पीछे।